मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माई चैनल एंड दिस इज माई कौन सा व्लॉग फिफ्थ व्लॉग. सो गाइस गाइस रेडी होके जाना है शॉपिंग पे, तो देखते हैं अभी शॉपिंग कहाँ करने जाना है, पठानकोट जाएंगे कि कहाँ पे जाएंगे. गाइस ये रेडी होना था और मैं और मम्मा हो रहे थे रेडी जल्दी जल्दी क्योंकि जाना था शॉपिंग पे. सो मैं भी हो रही थी रेडी और मम्मा भी साथ में हो रहे थे रेडी, तो हम रेडी हो गए थे और अभी जाना है, देखते हैं कहाँ जाते हैं. पठानकोट जा रहे हैं हम ऊपर बस लेने, तो ये मम्मा ये मैं और वो पीछे खड़ी है रिप्तल. बाय. अभी देखते हैं बस कितने बजे वाली मिलती है. सो गाइस मम्मा आ रहे हैं पीछे पीछे. मम्मा जाती हुई मेरे साथ, और मम्मा को लेके जाने का पड़ेगा पकड़ के क्योंकि मम्मा ने स्वेटर पहनी है दो दो और मम्मा से अभी चला भी नहीं जा रहा. सो गाइस अभी पहुंचने वाले हैं बस स्टॉप पे. मैं कहीं ले चली जबरदस्ती पकड़ी है तो मैं कि पीछे तक आना. सो गाइस मम्मा को पीछे से धक्का लगा के चढ़ना चढ़ाना उठा के ले चलो. सो गाइस ये आ गई हमारी बस. सो गाइस ये था हमारा बस स्टॉप. पहले जब हम स्कूल जाते थे तो यहाँ से जाते थे हम स्कूल, तो यहाँ मम पे हम उतरा करते थे. तो आज बस में मम्मा के साथ जा रही थी, मम्मा को बता रही थी मम्मा. सो गाइस जी मैं और मम्मा बैठे हुए थे बस में और स्कूल डिसाइड कर रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं, और फिर मम्मा देख रहे थे मेरे को कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मेरे को स्माइल पास कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं. कभी मम्मा बोले थे ये लेना है वो लेना, फिर मैंने मम्मा का बोला कि मैं थक गई हूँ और ये शोल्डर पे मैंने सर रखा था और मेरे को आ रही थी नींद, मैं लगी थी सोने और मम्मा देख रहे थे. मम्मा बोल रहे फिर से मम्मा डिसाइड कर रहे थे कि बता मेरे को क्या लेना, मम्मा को पूछ रही थी मम्मा वैसे पूछ रहे थे. और फिर मैंने मम्मा को बोला कि हम कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं कि क्या मतलब लेंगे बट वहीं पे जाके सोचेंगे, अभी तक हम बैठते हैं आराम से. क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं या तो तीन चार चीज़ें एक्स्ट्रा याद आती हैं क्योंकि सामान को देख के, या तीन चार चीज़ें भूल के आते हैं जो हमने घर से सोची होती है वो भी भूल जाते हैं. सो गाइस यही डिसाइड किया कि अब हम वहीं जाके सोचेंगे कि हमने क्या लेना है क्या नहीं, और बाकी तो हमने थोड़ा बहुत डिसाइड किया हुआ था कि क्या लेना क्या नहीं. और ये भी डिसाइड किया था कि अगर पठानकोट से नहीं मिलेगा फिर हम शाहपुर गंडी आके ले लेंगे. सो गाइस ये पहुंच गए थे हम पठानकोट और फिर उतरे बस से, तो मम्मा चले थे आगे आगे मैं मम्मा के पीछे पीछे, और फिर मैंने पकड़ा मम्मा को कि मम्मा चलो अब करते हैं शॉपिंग. शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ना था पैदल क्योंकि बस आगे पहले उतार देती हैं फिर आगे पैदल चलने पड़ता है. तो अभी हम जा रहे थे और फिर पैदल चलना पड़ना था, बहुत ज़्यादा दूर गए हम. और मम्मा फिर भी बातें कर रहे थे हम दोनों की, मैं और मम्मा की, क्या शॉपिंग करनी है क्या नहीं. शॉपिंग तो आगे जाके करनी थी, यहाँ से 15-20 मिनट लगने थे. सो फिर आगे चलते गए पर उस दिन था सैटरडे और सैटरडे वाले दिन बाज़ार ऐसे बंद थी दुकानें सारे शॉप्स, और ऐसा लग रहा था जैसे बाज़ार आज कुछ है ही नहीं बाज़ार में. सो फिर सोचा अब आ गए हैं तो कुछ लेके तो जाना पड़ेगा. पहले तो हमने प्लान किया था कि हम जाएंगे शाहपुर गंडी, फिर सोचा कि हम चलो पठानकोट. सो गाइस यहाँ पे मिल गई थी फिर आगे पलक, क्योंकि पलक भी आई हुई थी पठानकोट. पहले पलक ने मेरे को की थी कॉल और पलक पर रेडी हो चुकी थी और आंटी जा रहे थे, ये पहली बस में चले गए थे और मैं और मम्मा पीछे आ रहे थे. मैंने इनको बोला था कि आप चल लो हम आते हैं, फिर पलक बोलती कि हम मिलेंगे पठानकोट में. सो इसने बुक्स लेनी थी, बुक्स का कर लिया था इसने, लगवा लिया था पता, और बुक्स मिली नहीं थी इसको. फिर इसने की थी ऑर्डर और उन्होंने बोला कि हम आपको दुनेरा में ही जहाँ हम रहते हैं कि वहीं पे बस में बिछवा देंगे, आप उधर वाले बुक स्टोर में जाके ले लेना. सो गाइस फिर इसने ऑर्डर दे दी थी और फिर आंटी के साथ बात की मम्मा ने,
और आंटी पूछ रहे थे हमें कि कैसे आपकी स्टडी चल रही है, कैसे रहते हो, ध्यान से रहना और अच्छे से स्टडी करना। सो फिर मैंने पलक को बोला कि पलक हम चल फिर से, और आंटी को बोला कि चलो हम शॉपिंग पे चलो आप भी हमारे साथ। सो आंटी ने मना कर दिया, आंटी कहते कि हम पहले आए हुए थे और अभी पूरा बाज़ार घूम के आए हैं तो फिर से हमें पैदल चलना पड़ेगा, अभी इतना नहीं चला जाता, और घर पे भी काम था कुछ, आंटी बोल रहे थे। तो फिर आंटी और पलक चले गए, जा रहे थे फिर मैंने और मम्मा ने आगे। सो फिर मैं और मम्मा फिर से चलने लग पड़े आगे और पहुँच गए मेन मार्केट गांधी चौक जहाँ से हमने शॉपिंग करनी थी। सो गाइस यहाँ पे आ गए थे हम शॉप सूट जहाँ पे लेने थे वहाँ पे सूट वाली शॉप पे, और ये सूट हमने फर्स्ट में ये सूट निकलवाया था ग्रीन कलर का, और ये अच्छा लग रहा था देख के लिए, पर फिर ये साइड में सिलेक्शन के लिए रख लिया था। पर थोड़ा सा मतलब अच्छा था, सिंपल सोबर अच्छा था सूट, मेरे को तो पसंद था, और क्योंकि शादी वाली लड़की को सारे रेड कलर के सूट है तो रेड कितनी बार डालने होते हैं, सो ये ग्रीन कलर का सूट अच्छा लगा था। सो गाइज ग्रीन वाला तो अच्छा था सूट, और फिर हमने और देखा तो ये रेड वाला। सो गाइज ये रेड वाला सूट तो देखा, अच्छा था ये भी, पर ज़्यादा डार्क रेड था तो मतलब रेड कलर ज़्यादा लोग दे देते हैं शादी में, एक दो तीन सूट होते हैं अच्छे कि रेड पहनने हो, बाकी कितने की बार पहनने होते हैं रेड। सो गाइज ग्रीन वाला थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था कि सिंपल सोबर, बट मैंने और मम्मा ने प्लान किया था कि हम शरारा सूट मतलब नायरा सूट देंगे, तो ये वाला सूट दिखाया था हमें नायरा सूट, मैंने भैया को बोला था कि नायरा सूट चाहिए हमें, तो ये सूट अच्छा लग रहा था, मतलब इसकी लुक भी अच्छी थी और मतलब डिज़ाइनिंग भी अच्छी थी, वर्क भी अच्छा था इसका, और बहुत अच्छा लग रहा था ये सूट सिलेक्ट कर लिया था। फिर और भी देखे हमने कि और अगर कोई और अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा नहीं था, इसका वर्क अच्छा नहीं लगा, सो ये हमने बोला कि ये नहीं चाहिए हमें, और हमने यही उठाया फिर से, और ये इसको अच्छे से देख रहे थे कि इसकी लेंथ वगैरह पूरी होगी दीखू कि नहीं। फिर मम्मा कह रहे थे कि फ़िटिंग का, तो भैया ने बोला कि फ़िटिंग इसकी हो जाती है, इसके अकॉर्डिंग टू इसके अंदर कपड़ा होता है लाइनिंग, और इसके साथ स्लीव्स भी थी, ऐसे विदाउट स्लीव्स था, बट अगर मर्जी होती है स्लीव्स लगानी हो तो ये वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, और मैंने और मम्मा ने सोचा कि यही वाला सूट देंगे। सो ये फाइनल था, बट एट लास्ट टाइम पे हमने सोचा कि एक बार दी को कॉल कर लेते हैं जिन्होंने पहनना है, उनसे पूछ लेते हैं कि वो पहन लेंगे नायरा सूट। इस शर्ट के साथ था प्लाजो और बहुत ही अच्छा सूट लग रहा था, इसका कलर भी अच्छा था, मतलब रेड नहीं था, ऐसे दिखने में रेड लग रहा था बट रेड से डिफरेंट था। सो गाइज़ ये सूट इसका शरारा था जो मम्मा ने पकड़ा हुआ, तो ये सूट सिलेक्ट था, ये वाला सूट सिलेक्ट तो था, बट जब दीदी को कॉल किया और उन्होंने बोला कि मैं पहनूंगी नहीं शरारा सूट। सो उसके बाद भी और ज़्यादा दो तीन सूट देखे थे, वो भी बहुत अच्छे अच्छे थे, बट तीन ने जब बोल दी कि मैं पहनूंगी नहीं शरारा सूट, फिर हमने सोचा कि यही सिंपल वाला अच्छा ले लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल सोबर अच्छा और कलर भी इसका अच्छा था। सो गाइस दी के लिए तो ले लिया था सूट, और अब लेना था बूजी के लिए सूट, और यहाँ पे हम सूट देखने आए, बट यहाँ पे जिस शॉप में आए थे यहाँ पे लहंगा वगैरह के सिंपल मतलब सेम बॉटम और शॉर्ट के कपड़ा सेम मिलता था, या कोई ड्रेस मंगाने बनानी हो तो वो अच्छा मतलब हैवी ड्रेसिंग या डिज़ाइनर ड्रेसेस के लिए कपड़ा लेना तो वो उसके लिए ये शॉप थी, तो इधर से अच्छा सूट नहीं मिला क्योंकि ऐसी ड्रेसिंग के लिए थोड़ा हमने भुजी के लिए देना था, भुजी के लिए तो सूट चाहिए था। सो गाइज हम आगे गए घूमने की, आगे से कुछ देखते हैं अगर मार्केट में अच्छा सा मिलता है। सो उस दिन देखा, फिर आगे कुछ अच्छा नहीं मिला क्योंकि पठान ज़्यादा शॉपिंग हम शाहपुर से ही करते हैं। सो दी के लिए सूट लिया, और फिर मैंने और मम्मा ने डिसाइड किया कि बाकी लेंगे हम शाहपुर कंडी जाके। सो गाइज एक दो तो यहीं पर बज चुके थे और टाइम लग जाना था एक घंटा शाहपुर कंडी पहुँचने में। सो हमने सोचा फिर चलते हैं वापस, और फिर ऐसे घूम के आगे से आगे वापस, और फिर हम चले। सो गाइस यहाँ से ले लिया था फिर हमने कलीरा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं, और हमें ये शॉप मिल गई थी तो ये यहाँ से हमने कलीरा बाय कर लिया था, और फिर हम चल पड़े आगे। तो सो गाइस ये आ रहे थे हम वापस, और ये खुली है न्यू मार्केट पठानकोट में गुमन मार्केट, तो बाहर से तो देखने के लिए अच्छी लग रही थी, अभी तक गए नहीं है इस मार्केट में।
देखने में तो अच्छी थी, अच्छी होती है मार्केट, मार्केट कौन सी बुरी होती है, पर अभी तक यहाँ पे गए नहीं क्योंकि न्यू खुली है, तो क्योंकि वैसे भी पठानकोट बहुत कम जाते हैं हम, तो देखेंगे कभी अगर जाएंगे तो अगर नेक्स्ट टाइम पठानकोट आएंगे। सो यहाँ पे आ गई थी बस और हमने जाना था वापस से उतरना था शाहपुर कंडी, सो बस में बैठी मैं और मम्मा और फिर यहाँ से चल लगने थे हमें 45 to 1 hour पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे बैठ गए हम बीच वाली सीट में मैं और मम्मा और फिर अब फिर से हम सोचने लगे कि हम कौन कौन सी सामान ले लिया और कौन कौन सा रह गया है। और फिर पहुँच गए थे, फिर हम चुकियाल पहुँच गए थे यहाँ पे और फिर से हम मैं और मम्मा याद कर रहे थे कि अभी भी सोच लेते हैं क्या क्या लेना है क्योंकि मेरा तो लास्ट डे घर पे और क्योंकि उसी नेक्स्ट डे मैंने आना था कॉलेज और शादी में, क्योंकि मेरा तो फाइनल नहीं था कि मैंने जाना है शादी में नहीं, और एट द टाइम एंटरटेनमेंट को पता चल गया कि एग्ज़ाम थे तो गाइज मैं शादी में नहीं जा पाई थी, शॉपिंग के लिए मैंने की थी मम्मा के साथ बट मेरा था उस दिन एग्ज़ाम, सभी घर वाले गए थे शादी में। सो यहाँ पे पहुँच गए थे हम शाहपुर कंडी, चलो छोड़ो उसको नहीं गए शादी में कोई बात नहीं, और फिर यहाँ पे पहुँच गए थे हम शाहपुर कंडी और यहाँ से फिर मैंने और मम्मा ने डिसाइड की कि पहले क्या लें, शॉर्ट्स लें भैया के लिए या सूट ले लें बुआ जी के लिए, तो फिर हमने पहले डिसाइड किया कि पहले लेते हैं बुआ जी के लिए सूट और फिर हम ऊपर जाके उनकी शर्ट्स, और ये वाला सूट पसंद आया था बूजी के लिए क्योंकि ये कलर भी अच्छा था और डिज़ाइन भी अच्छी स्टफ़ भी इसका अच्छा था। सो उसका सूट वो पैक करवा लिया था और फिर हम गए भैया के लिए शर्ट्स लेने, और फिर ना गाइस ये हम शॉप पे गए शर्ट वाली शॉप पे जहाँ से हम बन्नू के लिए भी शॉपिंग करते हैं भाई के लिए। सो यहाँ से शर्ट्स भी ले ली थी, दो शर्ट्स ली थी, एक ब्लू कलर की और एक नहीं ब्लू कलर की नहीं एक ग्रीनिश कलर की, भैया ने दिखाई थी ये ब्लैक ब्राउन कलर की, और यहाँ पे फिर हम आ गए थे शूज़ वाले शॉप में, तो यहाँ से लेनी थी मम्मा के लिए, ये मेरे को अच्छी लग रही थी क्योंकि इस पर थे वाइट मतलब ऊपर मिरर जैसे लगे थे। सो गाइस ये वाली अच्छी लग रही थी मम्मा के पाँव में भी, और भैया ने एक और ग्रे वाली बताई थी, सो ये वाली इतनी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि ब्लैक वाली अच्छी लग रही थी, ब्लैक हर एक सूट के साथ मैच कर जाती है। ग्रे वाली भी मन चेक करके देखी थी पर वो इतनी अच्छी लुक नहीं दिखाई दे रही, मतलब उसकी इतनी अच्छी लुक नहीं लगी, वो ब्लैक वाली ले रही थी बनाओ, ये इतनी ज़्यादा पॉलीथीन मेरे हाथ में दे दी हुई थी मम्मा ने क्या मतलब शॉपिंग की थी हमने और पॉलीथीन इतने हो गए थे हाथ में। हम शॉप पे बैठे थे और फिर उसको शॉप वाले भी उनको बोला था कि हमें बुक दिखा दो, यहीं से हमने बस लेने के लिए रोड के साइड में ही था जो शॉप थी, और मम्मा ने देखा कि फिर मैंने मम्मा को गिफ्ट भी ले लेते हैं। तो गाइस ये वाली बाउल से अच्छी लग रही थी, तो ये बाउल पैक करवा ली थी मैंने, फिर हम चले घर पे, सारी शॉपिंग हो चुकी थी। तो नाउ गाइस शाम के मतलब मैक्सिमम 5 बज ही चुके, 5:30 हो ही गए थे और ये हम घर पे जा रहे थे, सारी शॉपिंग हो चुकी थी मैंने और मम्मा ने कर ली थी शॉपिंग, और मैं मम्मा को एक ही चीज़ बोल रही थी मम्मा पता नहीं मैंने शादी में आना है कि नहीं आना, शॉपिंग तो कर ली थी और इसीलिए मैंने कोई ड्रेस भी नहीं ली थी खुद के लिए। गाइस उतर के बस से अभी जाना है, ये इतना सारा सामान लेके अभी दो तीन मम्मा ने पकड़े हुए हैं, तो गाइस मम्मा सामान तो सारा है ना, तो ये सारा सामान अभी चलते हैं घर देखते हैं फिर, और टाइम हो गया 5:30 जैसा कि मैंने बोला कि 5:30 बजे घर पहुंचना है। तो मम्मा को मिल गई आंटियाँ तो गाइज़ मैं और मम्मा जा रहे थे क्योंकि बस स्टॉप से ऊपर है बस स्टॉप और हमारा घर वहाँ से दूर है, क्योंकि मैक्सिमम अगर आराम से चलोगे तो 15 to 20 minutes लग जाते हैं और अगर भाग भाग के चलोगे तो 5 minutes में भी पहुँच जाओगे, क्योंकि हम जब स्कूल जाते थे तो यही रास्ते से जाते थे, 5 minutes रहते थे बस के लिए और भाग के जाते थे। भैया मिल गए थे तो गाइज़ यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी और मम्मा को मतलब मोहल्ले के भैया थे
उनका घर हमारे पास ही है तो वो मिल गए थे, उनको मैंने भेज दिया था स्कूल। मम्मा ने सुबह से बोला था उनको, उन्होंने बोला था कि चल पड़ो आप, तो मम्मा को भेज दिया था स्कूटी पे। और मैं ये पॉलीथीन लेके चली हुई थी, मम्मा पहुँच चुके थे मेरे से पहले घर पे 2 मिनट पहले, और मैं ये शॉर्टकट रास्ते से आ रही थी जो हमारे घर के पीछे से है। सो अभी मैं भी चली हुई थी ये पॉलीथीन कैरी करके। सो गाइस मम्मा आ गए थे पीछे पॉलीथीन पकड़ने और मैंने मम्मा को पॉलीथीन दे दिए थे। नाउ फाइनली हम घर पर पहुँच चुके थे, पहुँच गए थे। और ये थी बैक साइड, जिसके जहाँ पे बैक साइड में हमारे वॉशरूम्स वगैरह बनाए हुए हैं, और ये साइड में ताई जी का घर है, ये था हमारा घर। और ये भाई बैठा हुआ था और इसको बिल्कुल शर्म नहीं थी कि दी और मतलब मेरी बहन और मम्मा आ रहे हैं इतना सामान उठा के। सो गाइस फाइनली घर पे पहुँच चुके थे और सारी शॉपिंग हो गई थी, और ये थी सारी शॉपिंग। और नाउ तो गाइस ये थी भाभी की छोटी सी बेटी, और इनका अभी भाभी का बेटा भी है छोटा छोटा, जिसका नाम है रिक्तल। अंशु रिपु चल बोल दे, अंशु ओए वीर बोल दे, वीर वीर मम्मा चाचू चाचू पापा 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 नहीं बोलना, बोल पापा पहले, बोल पापा। दादी बोलते चल दादी, चल नो कर दे फिर नो। वीर चल गया, वीर चला गया, कैसे गए वीर चले गए। ऐसे ऐसे टेस्टी यम्मी, ऐसे थोड़ा ना करते हैं, ऐसे करते हैं। ओ अच्छा नो कर दे, नो नो कर दे, नो 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 यस कर दो यस। जब ये सामान देखने लगे हैं कि क्या क्या लाया है, तो ये लाया मम्मा के लिए, मम्मा ने लिया है बैडली ब्लैक में, एक कुड़िया रखी है मम्मा के, और एक ये बैग लिया अम्मा के लिए ब्राउन कलर का। सो ये अमन दादी के लिए लाए हैं, और ये छोटे बेबी के लिए सूट, छोटे बेबी के लिए देखते हैं खोल के कैसा है। गाइस ये छोटे बेबी के लिए कपड़े, और नाउ ये है शादी वाली लड़की के लिए सूट। मम्मा इसका पैकिंग लफाफा खत्म खराब हो गया, इसका पैकिंग लफाफा खराब हो गया, इसको नया लफाफा लगाना। सुजी लाया शादी वाली लड़की के लिए सूट ग्रीन कलर में, बन्नू कैसा लग रहा है, इसके लिए नेक लाना था, और ये कुत्ते फोटा पाना है एक्सचेंज करके ले आना था, और ये एक बॉय जी के लिए कमीजा। वो बूची के लिए सूट, ये बुआ के लिए सूट, उतरे इतने चेंज कर ले मेरी बुआ के लिए सूट, ये बुआ के लिए सूट, ये लड़की शादी वाली दी के लिए सूट, और ये दो शॉर्ट्स, एक एक भैया के लिए दूसरे भैया के लिए ये दो शॉर्ट्स, और ये गिफ्ट लिया, ये छोटी बेबी के लिए कपड़े क्या थे घोड़ा पर दादी के, और ये देखो क्या कर रहा है, ये न्यू शूज ट्राई करके देख रहा है दादी के, और पापा की आ रही है कॉल,
सो गाइस ये लिया था दी के लिए कलीरा, और फिर मैंने लिया था कुछ, मैंने सिर्फ दो चीज़ें ली थी खुद के लिए, जो कि वो भी मम्मा के बैग में से मिल नहीं रही थी। ये था एक नेल पेंट और एक थी ये हेयर पिन, और ये सिर्फ 50 रुपीज़ के मैंने दो लिए थे। और ये लाई थी भाई के लिए नेक, आई थिंक फिट नहीं है छोटा, सो ये एक्सचेंज करवा के आएगा। बने तू रहने दे, ये मैं ले लेती हूँ, तू न्यू ले ले। स्टफ खुलेगा पागल इसका, हाँ स्टफ खुलना है तो एक्सचेंज करवाऊंगा। सो गाइस ये सारी, पापा ने क्या बोला, वीडियो कॉल नहीं करनी। सो पापा की भी आ गई है वीडियो कॉल, तो पापा को दिखाएंगे सारा सामान। ये देखो, ये आपकी बहन के लिए सूट, ये आपकी भांजी के लिए सूट, ठीक है, ये आपके भांजे के लिए शर्ट, एक एक दूसरे भांजे के लिए, ये छोटे बेबी के लिए, और एक तमोनिया टोटा, और ये बटाइए के लिए जीजे पैंट शर्ट। ठीक है, ठीक है, और एक कलीरा, अच्छा है ना सूट छोटा बेबी। और ये अम्मा के लिए जुत्तू, और ये एक ये सेट गिफ्ट अंशु ने देना, मेरा जुत्तू दस, ये मेरा जुत्तू, ये मेरा जुत्तू, क्या है मेरा जुत्तू पता नहीं, ये कुड़िया सूट ब्लैक नहीं है, ग्रीन है, ग्रीन। मैं फोन कितना रेड कलर से कितना मैं देह पसंद रेडीमेड, तो बोल दी मैं नहीं पाना जेड़ा मैं पसंद कितना सरारा। सो गाइस ये मम्मा ने बता दी थी सारी शॉपिंग, और ये थी मेरी और मम्मा की सारी शॉपिंग। और गाइस सारी शॉपिंग तो हो चुकी थी, और मैं शादी में नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि मेरा था एग्ज़ाम उस दिन, और सभी ने इंजॉय किया था शादी में। सो गाइस मम्मा पापा मेरे को वीडियो कॉल पे शादी बता रहे थे। सो गाइस ये थे भाई, मेरा भाई, कजन और कजन सिस्टर, इन सब ने इंजॉय किया था फुल इंजॉय, और मैंने वीडियो कॉल पे मैरिज देखी थी। और ये थे मम्मा पापा और ब्रदर, जिनकी दी की, मतलब जिनकी बहन की रियल, ये जिनकी दी की शादी थी वो उनके रियल ब्रदर। और गाइस इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग थी, और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना लिख के कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो गया, आपके मामू लड़की की या लड़के की शादी हो या मासी की लड़की, और आपके एग्ज़ाम्स लगे और आपने वीडियो कॉलिंग पे पूरी मैरिज देखी हो। सो गाइस मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो अगर आपके साथ भी हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। सो गाइस बाय बाय, यही